आशाओं के पैसे बढ़ गए, आंगनवाड़ी आते हैं राशन ए इस बैच कंडे। ना ले जाओ चक्की पे। महीने का 10 महीने का मिलता है, नहीं नहीं अब तो 11 में 10 महीने का मिलता है। सावित्री जी, यहाँ खाना बनाने के लिए गैस की सुविधा नहीं है जी? नहीं। क्या दिक्कतें होती हैं इस तरह से? अरे सर जी, हम लोग दूर दराज से खंडे लाते हैं, सब ईंधन की व्यवस्था करते हैं, गांव से ढो के लाने पड़ते हैं। हमें सिलेंडर हो तो क्या है, ये हमें करना पड़े। हम तो बच्चों की व्यवस्था में लगे हुए हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं, हम लोग का अभी कोई मानदेय नहीं आया है, ना आता है कभी। यही सब सारी समस्या, हम तो सेवा में लगे हैं, अब जो करना है सरकार को वो तो करेंगे। इसमें धुएं में से समस्या भी होती खाना बनाने? जी सर जी, क्यों नहीं, आंखों में बहुत समस्याएं आती हैं। आप कितने लोग हैं यहाँ पे? 3 लोग। सर, जनपद में बहुत सारे प्रसिद्ध विद्यालय में अभी चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है, इसके लिए क्या व्यवस्था कराया जा रहा है? जितने भी प्रसिद्ध विद्यालय हैं वहाँ पर मिड डे मील गैस चूल्हे पर बने, इसके लिए जो प्राधिकरण है मिड डे मील जो देखता है, उन्होंने उसके लिए फंड्स रिलीज किए हैं, और उस फंड के सापेक्ष ज़्यादातर जगहों पर गैस से वहाँ पे खाना पक रहा है। अभी कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर गैस की सुविधा नहीं है, उनमें कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर गैस थी और वो चोरी हो गई, जिसकी वजह से वहाँ गैस की सुविधा नहीं है। तो इस बारे में जनपद का जो भी जो स्थिति है उसका आकलन करके जो डिमांड नोट है वो प्राधिकरण को भेजा गया है। और एक और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से ग्रामीण महिलाओं को धुएं से आज़ादी दिलाने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर कानपुर देहात में प्राथमिक विद्यालयों में खाना बनाने के लिए सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं। लक्ष्मी नारायण, ईटीवी भारत, कानपुर देहात।